नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार, बीसीए की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स में हम लोग ने फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन को कराया था, जिसमें मैथमेटिक्स का जो हम लोग ने क्वेश्चन पेपर दिया था वो तीन पोर्शन में दिया था, तीन सेक्शन में हम लोग ने उसको डिवाइड किया था। सेक्शन ए में हम लोग ने 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 एमसीक्यूज थे, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम लोग ने दिया था। सेक्शन बी में भी हमने 5 क्वेश्चन दिए थे और ये दो दो मार्क्स के थे, ये 5 क्वेश्चन हम लोग को करने थे। तो कुल मिलाकर के सेक्शन बी हमारा 10 नंबर का था, सेक्शन ए हमारा 5 नंबर का था, ठीक है। इसमें हम लोग में सेक्शन सी भी था, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हम लोग ने 3 क्वेश्चन दिए थे और 3 क्वेश्चन में हम लोग को 2 अटैम्प्ट करने थे, ठीक है, और दोनों आपके 7.5 नंबर के थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन सी था वो आपका 15 नंबर का था, और कुल मिलाकर के ये जो हम लोग ने इंटरनल एग्जामिनेशन लिया था ये आपका 30 नंबर का पेपर था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसका मैं सोल्यूशन आज कराने जा रहा हूँ। तो आज के इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में, हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या होता है। यूनिवर्सिटी में जब आप लोग क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखोगे तो किस तरीके से आप लोग को लिखना है। तो बेसिकली आज हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, कह रहा है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस पी। मतलब कहने का ये है कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है एम क्रॉस पी एंड द ऑर्डर ऑफ बी। तो जो मैट्रिक्स बी है इसका जो ऑर्डर है वो है बच्चों आपका पी क्रॉस एन। तो वो कह रहा है कि ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, जब हम ए इंटू बी करेंगे तो ये जो पी है इसको ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, दोनों के बीच में कॉमन होता है। मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का जो आपका रो लिखा हुआ है और दूसरी मैट्रिक्स, सॉरी, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको आप हटा दीजिए, क्या बचेगा, एम और एन बचेगा, तो ये हो जाएगा एम क्रॉस एन। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका एम क्रॉस एन। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू है ये हम लोग को पता करना है। तो पहला पोर्शन क्या है कि ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये तो गलत है, क्योंकि ए प्लस बी बी प्लस ए के ही बराबर होता है। मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को आप चाहे ए प्लस बी में जोड़िए या बी प्लस ए को जोड़िए, दोनों का आंसर बराबर आएगा, तो ये तो ट्रू नहीं है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के ही बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। कह रहा है कि ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं है, हाँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देखिए जब मैंने आप लोग को मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि जनरली ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता, हम लोग ने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका सेक्शन सी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, ठीक है, ऑल जीरो, ऑल इक्वल टू सम स्केलर, कैन बी एनी नंबर, नन ऑफ दीज। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जैसे सपोज करिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, 0 और 0, इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ G और H, इधर हो जाएगा -G -H, इधर -F कर लीजिए और इधर कितना कर लेंगे आप, इधर आप कर लीजिए F कर लीजिए, ठीक है, ये आपका 0। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है,
ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था कि ये कंपलसरी होता है कि डायगनल एलिमेंट्स आपके सारे के सारे डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ये वाला आंसर होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज, देखिए अगर मैट्रिक्स ए आपकी दोनों हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी, डायगनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी? तो देखिए पहले इनकी दोनों की डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो ये दोनों की डेफिनेशन है। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स तो दोनों हो नहीं सकती कि वो सिमेट्रिक भी हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो जाए, ठीक है? तो क्योंकि देखिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, ठीक है? तो अगर एक रो माइनस में है और कॉलम प्लस में है तो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वो ट्रांसपोज दोनों नहीं मिल सकता, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों एक साथ नहीं मिल पाएगी, डायगनल में भी नहीं मिलेगी। और ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। सारे एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अगर मैं 2x2 ऑर्डर की भी बात करूं तो इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। और इसको इसका आप कैसे भी ट्रांसपोज कर लीजिए तो इसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मिलेगी और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ज़ीरो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज कौन सा है? 6 होगा, 36 होगा, 32 या 64 होगा? तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए समझ कुछ ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए जो है वो 2x3 ऑर्डर की है, मतलब दो रो हैं, मतलब A11, A12, तीन कॉलम हैं A13, दूसरा क्या है A21, A22, A23, ये है आपका। अब वो कह रहा है कि ईच एंट्री में आप जीरो हो या वन हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो हो या वन हो, तो या आपको यहाँ पे जीरो होगा या आपका वन होगा, यहाँ जीरो होगा या वन होगा, यहाँ जीरो होगा या वन होगा, यहाँ भी जीरो या वन होगा, यहाँ भी जीरो या वन होगा, यहाँ भी जीरो या वन होगा, ठीक है? क्लियर? तो दो यहाँ पे होंगे, दो एलिमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, दो यहाँ पे हो सकते हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स एलिमेंट है, ठीक है? और दो दो एलिमेंट हर जगह आ सकते हैं आपके। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि दो एलिमेंट आपके कितनी जगह पे आएंगे? 6 जगह। तो मैं लिखूँगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 × 2 तो 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64 इज द राइट आंसर। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, देखिए कितने एलिमेंट की एंट्री करानी है हमको? 0 और 1, मतलब दो एलिमेंट की एंट्री आपको करानी है 0 और 1 की। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 2 एलिमेंट, ठीक है? और दो एलिमेंट के ऊपर पावर क्या लगानी है आपकी? जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 6, क्योंकि 3 × 2 = 6 हो गया, ये हो जाएगा 2 to the power कितना हो गया? 2 to the power 6 कितना हो जाएगा? 64। तो 64 इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा। तो सेक्शन है आपका कंप्लीट हो गया है, 5 क्वेश्चन को हम लोग ने कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो सेक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन में अगर यहाँ ऑर्डर 2x3 ये पूछा है, अगर इसमें ऑर्डर 3x3 पूछ लेता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 to the power जैसे यहाँ 2 × 3 लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करते थे? 2 की पावर, क्योंकि 2 क्यों लिखा है? 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको दो एलिमेंट की एंट्री करानी है 0 और 1 की, ठीक है? अगर ये 3x3 होता तो मैं यहाँ पे ऊपर 3x3 कर देता तो इधर 2 to the power 9 हो जाता, ठीक है?
तो इसका आंसर कितना आ जाता, 128 आ जाता। देखिए सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा, सॉल्यूशन लिखे आप लोग, हेडिंग यहाँ पे लिखना आपको स्टेटमेंट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती हैं आपकी, वो कुछ ऐसे बनती है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट वो आपका जीरो के बराबर होता है। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी लेमडा में बनती है, वो कुछ ऐसे बन गई, लेमडा टू द पावर एन प्लस ए वन लेमडा टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लेमडा टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री लेमडा टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या बन गई, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बन गई, ये पूरी इक्वेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब अगर मैं लेमडा की जगह उसमें ए रखूँ, मतलब मैं लेमडा की जगह ए रखूँ, ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन ए टू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, अगर वो जीरो के बराबर है तो मैं फिर ये कहता हूँ कि कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। फिलहाल अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका आपको हेडिंग लिखना है स्टेटमेंट, फिर आपको लिखना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इट्स को कुछ ऐसे लिख लीजिए आप, इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कह रहा है कि इफ 3 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 टू डब्ल्यू प्लस मैट्रिक्स 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई एंड 3, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो देख लेते हैं मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखें आप लोग वी हैव 3 एक्स जेड वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स है माइनस 1 6 है 2 डब्ल्यू है इधर आ जाएगा 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई एंड 3, इतना दिया हुआ है। तो पहले तो आप इस 3 का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करिए, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए इसको ऐड कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ये x इस 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो x प्लस के 4, ये 6 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 6 प्लस x प्लस वाई, ये माइनस 1 है प्लस जेड प्लस डब्लू, ये 2w है 2w प्लस 3। ठीक है, अब आप देखिए ये वाली मैट्रिक्स भी और ये वाली मैट्रिक्स भी, इनके दोनों के ऑर्डर सेम हैं, ये भी 2x2 ऑर्डर की हैं, ये भी 2x2 ऑर्डर की हैं, तो दोनों ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो जब भी इक्वल मैट्रिक्स होती हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 3x किसके बराबर होगा x प्लस 4 के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो 3x हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। दूसरा 3y किसके बराबर होगा, 3y आपका हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। फिर 3w किसके बराबर होगा, 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के, 2w प्लस 3 के। तो 1x1 इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस x को मैं इधर लेके आऊँगा तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2x, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे रखूँगा तो 3y, देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस वाई और इधर आ जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे x है, x की वैल्यू आपकी 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये बच जाएगा आपका 2y और इधर बचेगा 4, 2y इज इक्वल टू 4 बाई 2 और y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2।
ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया हम लोग ने, 6 + 2 आपका 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8/2 और 8/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ पे इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा 3W माइनस के 2W इज इक्वल टू 3 और यहाँ से केवल W बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास में 3, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास में x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया, और देखिए z भी हम लोग को निकालना है, हम लोग को W कितना मिला, W मिल गया 3, ठीक है। अब आप देखिए ये जो 3z है वो इसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3z माइनस जेड इज इक्वल टू -1 प्लस डब्लू, डब्लू की वैल्यू है आपकी 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से 3z माइनस जेड 2z बचेगा और 3 - 1 2 बचेगा, तो जेड इज इक्वल टू 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जेड इज इक्वल टू 1, क्लियर। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंटू मैक्स की जगह 2 रखूँगा तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 + 4 = 6, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ द मैट्रिक्स ए, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो लिखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 5, a and 3, ये दिया हुआ है, तो ये 2/2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो बन जाएगा आपके पास में। देखिए 2/2 ऑर्डर का है तो मेरा एडजॉइंट भी 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा, मैं इसको लिखूँगा a11 a12 a21 a22 और इसका ट्रांसपोज, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए a11 क्या है, ये कोफैक्टर है, a11 a12 a21 a22, ये सारे आपके कोफैक्टर हैं। तो सबसे पहले देखिए a11 क्या होगा, तो 11 का मतलब ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को आप हटाइए, तो फर्स्ट रो को हटाइए, फर्स्ट कॉलम को हटाइए, क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 3 आ गया। फिर आता है आपका a12, देखिए 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 आपका ओड नंबर है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस लगेगा। इसमें क्या करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाइए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा 5, तो ये आ जाएगा -5, इतना आ गया। फिर आपका आता है आपका a21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओड आएगा, मतलब 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 आपका एक ओड है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटाइए, तो सेकंड रो को हटा दीजिए, फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, बचेगा आपके पास में a, तो ये -a बचा। फिर आपको चाहिए a22, तो दोनों इवन हैं क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को क्या करेंगे, 4 को हम लोग इवन नंबर कहते हैं, तो इवन नंबर तो प्लस ही रहेगा, ओके। तो 2, 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आप सारे को फैक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग पुट द वैल्यू ऑफ ऑल को फैक्टर्स इक्वेशन वन में रख दीजिए, यह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a11 की वैल्यू कितनी है, a11 की वैल्यू है आपकी 3, a12 की वैल्यू है -5, a21 की वैल्यू -a, a22 की वैल्यू 2, इतना आ जाएगा। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बेसिकली एक यहाँ पे लिख लीजिए आप एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज आपका रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है,
तो करिए, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के 5 और ये हो जाएगा माइनस के a और 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और एडजॉइंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं इनको आपस में चेंज कर दीजिए. यहाँ पे लिख लीजिए चेंज दी एलिमेंट, चेंज दी एलिमेंट एलिमेंट्स. और ये जो दो एलिमेंट हैं ये वाले एलिमेंट इनको क्या करिए आप, चेंज दी साइन, चेंज दी साइन, इनके साइन चेंज कर दीजिए. लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है जिस तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है, ऐसे ही आपको डिस्क्राइब करके समझाना होगा, लिखना होगा, करना होगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इस बात का ध्यान रखना, आपको शॉर्टकट मेथड पे नहीं जाना है, आप लोग को लॉन्ग कट मेथड का यूज करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से नंबर मिल सके. तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को कराया है आप लोग को इसी तरीके से करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं. 9 को देखते हैं कि 9 में क्या कहा है कि डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इस्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको डिफाइन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में कैसे लिखेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम में आपको प्रॉपर नंबर मिल सके. तो देखिए ए मैट्रिक्स, इसको ए ऐसे नहीं लिखिए, ए मैट्रिक्स ए और ए को ऐसे कॉमा में कर लीजिए. ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एफ ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर हो. ठीक है, आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको. सपोज करिए मैट्रिक्स ए कुछ ऐसे हैं कि ए बी एंड सी, ये जी एच एफ एंड एफ. ठीक है, ये एफ है आपका. ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स ए हमने ली है इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं. तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बनाइए, ए जी और एच. जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाइए, ये हो जाएगा जी बी एंड एफ. जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए, ये हो जाएगा एच एफ सी. अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है ट्रांसपोज करने के बाद, ये वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स हमने पहले ली थी. तो मतलब मैं कह सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर है. तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, दूसरी बात करते हैं. इसमें दूसरा पूछा गया कि इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है. ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ए और ए को कोमा के बीच में लिख लीजिए. ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को. सपोज करिए कि मैट्रिक्स ए, अच्छा एग्जांपल लिखने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा दूं. नोट ये मैंने एमसीक्यू में भी पूछा गया था. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर जीरो इन इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix. ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं तो इसको पहले जीरो और जीरो जीरो कर लीजिए आप, फिर यहाँ पे जी और एच कर लीजिए, तो यहाँ माइनस जी और माइनस एच कर दीजिए, यहाँ एफ करेंगे तो यहाँ पे आप माइनस एफ कर दीजिए. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारी क्या बनेगी, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं. देखिए इसका ट्रांसपोज मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ज़ीरो जी और एच, मुझे मिल जाएगा माइनस के जी ज़ीरो माइनस के एफ, मुझे मिलेगा माइनस के एच एफ और ज़ीरो. ठीक है, ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया. अब मैं इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ले लेता हूँ मैं, माइनस लूँगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, हर एक एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस जी माइनस के एच, ये जी, ये ज़ीरो और ये प्लस के एफ, ये प्लस के एच, ये माइनस के एफ और ये ज़ीरो. और अगर आप ध्यान से देखें ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर ये आ जाएगा. तो अगर ऐसी सिचुएशन मुझे मिलती है तो मैं उसको कहता हूँ कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, पूछ रहा है कि डिफाइन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, मैट्रिक्स के इनवर्स का डिफाइन करना है. तो इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे आप, तो लिखें आप लोग लेट लेट कैपिटल ए, मतलब मैट्रिक्स ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी जीरो के बराबर नहीं होती है उसको मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलता हूँ. तो अगर कोई ए मैट्रिक्स ऐसी है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन देन इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज. कैसे डिफाइन करेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अगर आप इस तरीके से लिख करके आएंगे एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है. मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और इसका होल ट्रांसपोज. ठीक है, और ये जो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री है ये क्या है, ये क्या, ये सारे के सारे आपके कोफैक्टर हैं, ये जितने भी हैं ये क्या है, ये कोफैक्टर है मैट्रिक्स. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.